जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरी साइन, यानी कि मेष राशि के लोगों के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और बाकी जो डिटेल्स हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट फॉर ऑल द एरीज, और देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ओवरऑल एनर्जी जल्दी से जल्दी चेक करते हैं। ओके एरीज, ब्यूटिफुल एनर्जी, इट्स अबाउट लाइक एफर्ट्स, यू नो, मेकिंग एफर्ट्स। अभी आपको एफर्ट्स पुट करने हैं और आप कर भी रहे हैं, आप इनिशिएट ले भी रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इट्स योर टाइम, यू नो, कि आप अपने आप को चेंज करें। आप अपनी एनर्जी को वाइज तरीके से चूज़ कीजिए, और वाइज तरीके से, जैसे कहते हैं, दिशा दीजिए अपनी एनर्जी को। वी हैव आर्कएंजल शैमुएल हियर, सो यू कैन प्रे टू आर्कएंजल शैमुएल, वो आपको गाइड करेंगे। जो भी आपके एंजल्स हैं, आप डिवाइन एनर्जी हैं, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, सो आप सरेंडर कीजिए। हाँ, यहाँ बात हो रही है, इट्स अबाउट सोशलाइजिंग, इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग, इट्स अबाउट कॉन्टैक्ट में आना, नए नए लोगों से सोशल सर्कल बढ़ना वगैरह वगैरह, यू नो। सो ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में इन्हांस करेंगी, आगे चल के आपके पाथ को क्लियर करेंगी। ब्यूटीफुल एनर्जी, उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। यही टाइम है आपका, यू कैन वर्क ऑन इट। यस, लॉट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ऑन योर एंड, एट योर एंड, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको यही टाइम है आपका। सो प्लीज़ फोकस कीजिए और टेक स्टेप्स फर्दर, अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो, देर हो जाए। सो इट्स बेटर, यू नो, कि आप अभी से एफर्ट्स पुट करें। चलिए अब बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। एरीज, स्टिल अनडिसाइडेड, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग, हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मूविंग ऑन। कहीं लाइक शायद आप डिलेमा में थे, या आप कन्फ्यूज थे, बट आप उस कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट शायद कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो वर्क नहीं कर रही, बट स्टिल यू आर ट्राइंग, यू नो, योर लेवल बेस्ट। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम, अगर आप टोटली सिंगल हैं, तो मुझे ऐसा लगता है यू आर प्लानिंग, यू आर टेकिंग एक्शन, और मे बी इट्स अबाउट, कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट गेटिंग मैरिड ऑल्सो। हो सकता है कोई आपके अराउंड कोई पर्सन हो, या कोई हो सकता है कि फ्रॉम द पास्ट यू आर थिंकिंग अबाउट एंड दे आर कमिंग फॉरवर्ड, आपकी लाइफ में दोबारा से आने चाहते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए, अगर आप मैरिड हैं टोटली, तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट, यस, मे बी यू आर स्टेपिंग इन टू अ न्यू जोन। आप अपने फाइनेंसिस पे ध्यान दे रहे हैं, अपने घर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, घर के माहौल को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, यू नो, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी आ जाए आपके होम लाइफ में, दिस एंड दैट, ये चीज़ें हो सकती हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, यू आर डीलिंग विद इस पर्सन की जो फीलिंग्स है, वो आपके लिए, यू नो, फ्लक्चुएट कर रही हैं, या हो सकता है दे आर स्टिल लाइक आपकी मेमरीज में, जैसे कहते हैं ना, कोई आप सोच रहा है, कोई ध्यान दे रहा है, बहुत न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है। जो सिंगल एरीज है ना, उनके लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट स्टेपिंग फॉरवर्ड। जैसे कि मैं पहले बोल रही थी, वो सॉन्ग है ना, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, तो वो वाला सिस्टम है मुझे दिखाई दे रहा है एरीज के लिए। सो इट्स अबाउट स्टेपिंग फॉरवर्ड, कुछ संभालना है संभाल लीजिए, फॉरवर्ड मूवमेंट करना है कर लीजिए, और मे बी इट्स अबाउट कि कुछ, अगर अच्छे रिलेशनशिप्स आपके अराउंड आ रहे हैं, स्पेशली इफ़ यू आर सिंगल, तो आई थिंक शायद हो सकता है कि आपको देखना चाहिए, या आपको लाइक उसमें कोई ज़रूर आपको स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए। नाउ लाइक अगर बात करें, वी आर गेटिंग अ हैप्पी फैमिली कार्ड हियर, थिंग्स माइट, यू नो, लाइक स्लो प्रोसेस हो सकता है। देखिए, अगर स्टिल आप अगर एरीज हैं, और अगर आप पास्ट में फंसे हुए हैं, या स्टिल आप सोच रहे हैं कोई था
यहाँ पे कोई मिसमैच या कोई था, टॉक्सिक कनेक्शन या कुछ भी था, वॉट एवर. सो यहाँ मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ी स्टक एनर्जी है, ठीक है. अगर पास्ट वाली कोई बात है तो मुझे वो स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है. और अगर आप आगे की बात कर रहे हैं तो आई थिंक कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो वो वाला सिचुएशन है. थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप्स पे काम कीजिए. और दूसरा ये है कि कोई नया रिलेशनशिप है, आई थिंक यू आर रिकवरिंग फ्रॉम इट बिकॉज वी आर गेटिंग अ हाई प्रीस्ट इज हियर. सो मे बी बहुत अच्छी चीज़ है दैट यू आर रिकवरिंग फ्रॉम ऑल द पास्ट पेन. बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, बहुत कुछ आपको समझ आ रहा है आप रिलेशनशिप्स के बारे में. सो आई थिंक ज़्यादा समझाने वाली बात तो है ही नहीं यहाँ पे एरीज को. इट्स ऑल अबाउट यू, यू आर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, इट्स अ गुड थिंग, ठीक है. चलिए अब बात करते हैं करियर की. फॉर ऑल द एरीज, करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा. करियर वाइज आई थिंक अगेन इट्स ओके, इट्स अ गुड वीक, इट्स गोइंग टू बी अ गुड वीक. मुझे ऐसा लगता है कुछ मिलके कुछ कोलैबोरेशन में आप कर सकते हैं बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर यू इन करियर टर्म्स. हो सकता है आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग है और मे बी इट्स अबाउट पुटिंग एफर्ट इन अ न्यू सम न्यू एंडेवर. जैसे कहते हैं ना कोई काम नया स्टार्ट कर रहे हैं, एफर्ट्स उसमें लगा रहे हैं, तो यू विल बी क्वाइट कंटेंट, यू विल बी क्वाइट हैप्पी और सही रहेगा आपके लिए. तो उसमें कोई दो राय नहीं है, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी कंटेंट विद योर करियर. जैसे कहते हैं ना कि या फाइन, फाइनली थिंग्स आर गेटिंग बेटर, वी हैव वर्ल्ड कार्ड, एक्सप्लोर करना जिसे कहते हैं. क्योंकि फर्स्ट जो हमारे पास एनर्जी थी, जो हमारे पास ओवरऑल एनर्जी आई थी फॉर एरीज, वो भी यही थी दैट यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर, ठीक है. आपका सोशल सर्कल भी एनहांस होने वाला है, तो इस टाइम को वाइजली चूज़ कीजिए, इस टाइम को हाथ से निकलने मत दीजिए, वो चीज़ की मैं बात कर रही हूँ. चलिए फटाफट से गाइडेंस देख लेते हैं, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एरीज, क्या गाइडेंस है. येस, देखिए बाहर की एनर्जीज आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करने वाली हैं, ठीक है. वेन एवर यू आर इन अ गुड पाथ, ऑब्वियसली देखिए डेविल है, डिवाइन है, लेकिन आपको डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना है, आपको अपने अंदरूनी कनेक्ट करना है. यू हैव टू लेट गो ऑफ थिंग्स जो आपको वरी करती हैं. क्या लेट गो करना है, उन चीज़ों को लेट गो करना है जो आपको समझ आ रही है कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो काम है, जो कुछ भी है जो आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है. आपको पता है, आपकी गट फीलिंग है कि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों आप बहते जा रहे हैं, फिर भी आप रोक नहीं पा रहे, तो वहाँ आपको अपने आप पर थोड़ा सा स्टॉप लगाना है एंड लेट गो ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट सर्विंग यू. और ये यही मुझे दिखाई दे रहा है, डिवाइन का यही आपके लिए मैसेज है. यू नो, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ और स्टे अवे फ्रॉम पीपल जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं. तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो. मुझे कमेंट करके बताइए. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.